नमस्कार। इस समय हम घोसी में हैं। घोसी का जो माहौल है, चुनावी माहौल है, वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और ख़ास तौर से वायरल जो छोटा बच्चा है नवरतन यादव, वो समाजवादी पार्टी के किस तरीके से प्रचार प्रसार कर रहा है, आइए जुड़ने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। क्या बाबू, क्या नाम हुआ? नवरतन यादव। कहाँ के रहने वाले हैं? दोरापुर शाहजा महाराजगंज। इस बार कौन जीत रहा है घोसी से? हम लोग जीते ना, तुम जीते ना। हम लोग जीते ना और तुम जीते ना। दारा सिंह नहीं जीतेंगे? तुम दारा सिंह। तुम दारा सिंह जानते भी नहीं हो? कहाँ से हो? डीएम है, नहीं कलेक्टर है, नहीं प्रधानमंत्री है। जैसे पटवन लगाओ। हाँ वो क्या है बताइए, क्या है? जनता का पैसा लेते चुनाव अपने दोबारा लड़ रहे हैं और क्या। इसके पहले तो आपकी ही पार्टी से जीते थे ना भैया? जीते पार्टी से लड़े भैया, पार्टी से हमारे लड़े थे। तो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अतुल जी पैर पतलते बोले हम तो जीता दीजिए, तो चुनाव हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लड़ाए और तुम जनता तो धोखा देते। तुम जाते उनका ये बात है, वो एयर पार्टी में जीत पाते नहीं है, वो दल बदलू है, वो एयर पार्टी में ही जीत पाते हैं। तो आपकी पार्टी से प्रत्याशी थे ना जी, विधायक हुए ना? नहीं तो हमारे हमारे पार्टी के विधायक हुए, चुनाव चलती ना आप लोग ठंडे से ठंडे मिला चलते हैं। हमेशा आप लोग के साथ रहते रहते थे नहीं रहते। हेलो, तो सुधाकर सिंह को तो इसके पहले टिकटवा काट दिया गया था ना महाराज? हाँ तो टिकट काट दिया गया था, तब वो चुनाव चलती निबियर पेड़वा तर बोचा रहे चुनाव चलती हमेशा जनता के बीच में चलते हैं और जनता से सेवा चलते हैं। चुनाव चलती ऐसे नेता है जो जनता से एकदम सम्मान देते हैं, ऐसे चुनाव चलती नेता है। चुनाव से नेता काम किए, हॉस्पिटल बनवाए, रोड बनवाए, चुनाव चलती का नाम बता रहा है। योगी नहीं किए हैं? कुछ भी नहीं किए, कुछ भी नहीं किए, तो चुनाव तीन दिए आप तो कुछ नहीं दिए। जनता ने नकारा, जनता ही किन रही है। अगर ये जनता को, जनता का सम्मान ये लोग करते हैं, और आप तो समझ भी रही हैं पत्रकार साथी की जनता ने नकार दिया, वो लोग तो जनता को मान भी नहीं रहे हैं, नहीं तो 200-210-12 का टमाटर 200 में बेच रहे हैं क्या है आप भी। अच्छा अच्छा, एक मिनट भाई साहब भी खड़े, क्या लगता है कि माहौल जो है किधर जा रहा है? समाजवादी के पक्ष में सुधाकर सिंह जीतने जा रहे हैं और यहाँ कोई पार्टी और दल की बात नहीं है, यहाँ खुद घोसी की जनता लड़ रही है। और घोसी की जब जनता लड़ेगी तो कितना ही बड़ा जोगी आ जाए या मोदी आ जाए, और जनता जब खड़ी हो जाएगी तो बड़े नेताओं की जमानत जब्त हो जाती है यहाँ। इसलिए घोसी की जनता सड़क पर उतर गई है कि घोसी के लाल, घोसी के बेटे को जिता करके लखनऊ के सदन में भेजेगी। यहाँ आप देख रहे हैं कि अभी बता रहे थे भाई साहब कि बिजली की कनेक्शन काट दी जा रही है, लोगों को उत्पीड़न किया जा रहा है। आप ये जो है आंदोलन के उपज हैं सुधाकर सिंह, कोई ऐसा नहीं है कि बाहरी हैं, और पूरे गांव में एक ही नारा चल रहा है कि घर का लाल सुधाकर सिंह। हम कल गए थे, कुछ लोगों से बात कर रहे थे, तो वो ये कह रहे थे कि उस समय इनके प्रत्याशी 2022 में सुधाकर सिंह नहीं थे क्या? नहीं नहीं, वो देखिए समय के अनुसार अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने टिकट दे दिया दारा सिंह को, तो देखिए कितने बड़े दिल के हैं सुधाकर सिंह कि इन्होंने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को जिताया। कौन सी आज जरूरत पड़ गई कि वो दारा सिंह इस्तीफा देकर के भारतीय जनता पार्टी से लड़ने आ गए? और विकास नहीं कर पाते भैया। कौन सा विकास नहीं कर पाते, उनकी निधि इतनी है, वो निधि से किए, बगल में उन्होंने मंत्री रहा, कौन सा आपने मधुबन में काम कर दिया और मधुबन का पूरे मधुबन का विकास देखिएगा आप। अरे अभी हम मधुबन से ही होकर के आते है, देवरिया से जो सड़क आती है मधुबन से होकर के ही आती है, और प्रदेश के थे तो जब प्रदेश के मंत्री थे कोई मधुबन के थे नहीं, तो घोसी में क्या किया? और दूसरी बात, वो जीत करके चले जाएंगे आजमगढ़, यहां नीम के पेड़ चर्चित है घोसी में कि नीम के पेड़ के नीचे सुधाकर सिंह मिलते हैं। आम जनता जो है सुधाकर सिंह के पास आएगी अपनी समस्या, हर किसान गरीब नौजवानों का बहुत समस्या है, बहुत से दिक्कत है किसानों का, उसका कहां समाधान होगा? आजमगढ़ जब समाधान होगा तो नीम के पेड़ ये घोसी में। इसलिए अपने लाल को इस बार पूरी जनता जिताने जा रही है, कोई नेता नहीं लड़ने जा रहा है, पूरी जनता लड़ रही है, सर समाज के लोग लड़ रहे हैं, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, मुसलमान हो, सर समाज के लोगों ने कह रहे हैं कि अपने बेटे को, अपने लाल को जिता करके लखनऊ के बड़ी पंचायत में भेजने का मूड बना चुकी है। ठीक है, एक मिनट जुड़ते हैं आपसे, एक बात ही बताइए, जो पहले वोट बैलेंस किए थे ना, कौन सा वोट बैलेंस? अरे वही पीला वाला झंडा, वो तो इस बार उनकी तरफ चले गए। ऐसे कि ओम प्रकाश की बातें मत कीजिए, ओम प्रकाश राजभर वह जात पात धर्म मजहब की राजनीति करते हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हमारे महबूबा नेता अखिलेश यादव जात पात धर्म मजहब से ऊपर होकर राजनीति करते हैं। ओम प्रकाश राजभर को देश लेना देना नहीं है,
उनको अपने जात धर्म को भी लेना देना, वो बेचने का काम करते हैं, उनका नाम मत लीजिए, वो काम लायक नहीं है, वो विधानसभा में जाने लायक नहीं है। हम लोगों की देन है माननीय स्वर्गीय मुलायम सिंह की देन है, जो संरक्षण में किए 17 जातियों को बैकवर्ड जातों में जोड़े, अब वह जाकर विधानसभा में आज बोल रहे हैं, अनाप सभा में बोल रहे हैं, इनका कोई मतलब नहीं है, उनका कोई वसूल नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है, कोई लायक नहीं है, उनकी बातें मत कीजिए। आप पत्रकार महोदय हैं, लेकिन आपकी वाणी सीधे भारतीय जनता पार्टी के मिले जो असेंबल से बात कर रहे हैं, हम आप कहते हैं इनको कहते हैं। अरे भैया बड़ा दर्द हो रहा है आपको, वो तो ये कह रहे हैं आपके ही तो मित्र थे, वो तो आपके ही मित्र थे, कहते हैं मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। अरे यह बात कह करके सुनिए, आप मित्रता इसलिए करते हैं, मित्रता इसलिए कहते हैं उनको।